आशा करती हूँ आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे। मैं आपको आज वीडियोस बताऊंगी जो आपको अपने घर पे ही बैठ के करनी है। जैसे मैंने आपको पहले लीजिंग एक्सरसाइज बताई थी, और आज हम स्टैंडिंग आसनास की ओर चलेंगे। नमस्कार, मैं सुमन मल्होत्रा और आप देख रहे हैं बेटर लाइफ योगा। आज मैं आपको स्टैंडिंग आसनास में बताऊंगी। जैसे हम जब लूजिंग एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं, लूजिंग एक्सरसाइज करने के बाद अब हमारे पास होती है एक सीरीज कि हमें कैसे आसनास को करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आसन लेट के कर लिया, एक आसन बैठ के कर लिया, एक आसन खड़े होकर कर लिया, ऐसा नहीं होता है। हमें एक सीरीज से चलना चाहिए, एक पैटर्न से चलना चाहिए जैसे हम आसनास करते हैं। पहला, जैसे कि हम बताते हैं कि हम खड़े होकर आसनास करते हैं, दैट इज स्टैंडिंग आसनास यू हैव टू डू। फिर सेकेंड हमारे पास होता है लेट के, कमर के बल पे हमें लेट जाना है, इसको हम बोलते हैं सुपाइन आसना। इसके बाद आता है थर्ड आसना, वो होता है हमारा उल्टा होके पेट के बल लेट जाना, प्रोन बोलते हैं उसको, प्रोन सीरीज आसना। फिर आता है हमारे पास फोर्थ लास्ट आसना, और जो हमारे पास आसना सीरीज होती है वो है हमारी बेड की आसना, सेकेंड आसना सीरीज। तो ये चार आसना होती हैं जो हमें करने होते हैं। इससे पहले आपके पास एक पहला आसना है, वो है स्टैंडिंग आसना। तो जब भी आप लूजिंग एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले आपको ये जो लूजिंग एक्सरसाइज के बाद जो है स्टैंडिंग आसनास करने चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टैंडिंग आसनास बताऊंगी। इसको पार्ट वन और पार्ट टू में दो में डिवाइड किया गया है। इसलिए किया गया है, जो पार्ट वन है वो बिगिनर्स के लिए होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा। पहले आप पार्ट वन को अप्लाई करिए अपने घर पे, मेरे साथ साथ आप योगा करिए, शायद आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए। वैसे तो मैं भी नहीं हूँ एक्सपर्ट, बट हाँ होप तो कि आप इतना कर पाए कि अपनी बॉडी को हेल्दी और एक्टिव रख पाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं स्टैंडिंग आसनास। तो सबसे पहला आसना होता है हमारे पास ताड़ासना। ताड़ासना के लिए हम जब भी कोई आसना शुरू करते हैं उसके लिए एक स्थिति होती है। स्थिति मतलब होता है कि जैसे हम खड़े हुएंगे, खड़े होके अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम जैसे कि खड़े होते हैं, दोनों पैरों को दोनों की एड़ियां जोड़ेंगे और आगे जो पंजे होंगे थोड़ा सा दूर रखेंगे ऐसे, और जो हमारे हाथ होंगे वो साइड में होंगे, और जो हमारे फिंगर्स होंगे डाउनवर्ड्स होंगे जैसे। तो हम ताड़ासना के लिए तड़के क्या है, ताड़ासना के लिए इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, एक्सहेल करेंगे, हथेली आकाश की ओर करेंगे, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को बंद करेंगे और अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए एक्सहेल करेंगे और दोनों हाथों को साइड में हाइट के लिए तो होता ही है, और इसके साथ साथ ये आसना जो है आपकी जो सिक्स मंथ प्रेगनेंसी वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन वो भी ये वाला आसन कर सकती है। इट्स बेस्ट आसना, अगर उसकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है तो वो आराम से ये वाला आसन कर सकती है। ताड़ासना हाइट जो है सिर्फ वो एक मिनिमम एज के लिए ही होती है, जैसे कि आपकी एज 12 है, 13 है, बट हाइट नहीं बढ़ रही, तो ताड़ासना हेल्प करेगा आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हेल्प करता है हाइट बढ़ाने के लिए, और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोन्स को लंबा करने के लिए, मसल्स को लंबा करने के लिए। तो ये ताड़ासना सबसे बेस्ट आसना होता है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे आसना की ओर। दूसरा आसना है हमारे पास क्रियक ताड़ासना। क्रियक ताड़ासना के लिए हम वैसे ही अपने पैर रखेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे ही रखेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, दोनों हाथों को बांधेंगे और साइड में एक्सहेल करते हुए जाएंगे, फिर एक बार ऊपर आएंगे, फिर एक बार ऐसे जाएंगे साइड में, और फिर इनहेल, और अपने हाथ साइड में रखेंगे। ये होता है क्रियक ताड़ासना। क्रियक ताड़ासना के बाद अब हम जो क्रियक ताड़ासना होता है वो होता ही क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है क्रियक ताड़ासना का। क्रियक ताड़ासना का बेनिफिट होता है जो आपकी साइड की मतलब फैट है, बेली का फैट है, उसको डिक्रीज करता है, उसको कम करता है। जो हम इतना फास्ट फूड खा के हमने जो अपना मोटापा अपनी बॉडी के अंदर ले रखा है उसको कम करता है क्रियक ताड़ासना। अब हम बढ़ते हैं तीसरे आसना की ओर, वो है कटी चक्र आसना। कटी चक्र आसना के लिए हमें दोनों हाथ पहले स्थिति में ही आएंगे, दोनों हाथों को इनहेल करेंगे, राइट वाला हैंड लेफ्ट पे रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे मोड़ेंगे, जिस वाली साइड आपका शोल्डर है सांस भरते हुए मुड़ेंगे,
फिर सांस छोड़ते हुए बीच में आएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, ऐसे दूसरी वाली साइड करेंगे, सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, अपने हाथों को साइड में रखेंगे। ये आपकी बॉडी को ट्विस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी स्पाइन को स्टेबल करने के लिए हेल्प करता है हमारा। नेक्स्ट नंबर पे है चौथे आसना की और क्रिएट कटी चक्र आसना। अब हम क्रिएट कटी चक्र आसना के लिए स्थिति में ही आएंगे। ये एक स्थिति होती है, जो भी हमें एक आसना शुरू करना है उससे पहले हमें पहले प्री पोज में आना चाहिए। दोनों हाथ पैरों को ऐसे ही जोड़ेंगे, हल्का सा ऐसे हल्का सा दूर करेंगे। दूर करने के बाद दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, एक्सहेल करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे अपनी कमर से, ऐसे एक्सहेल करेंगे, यहाँ आएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे और आराम से ऊपर करेंगे और साइड में रोक देंगे। हमें अपनी बॉडी से 90 डिग्री बनाना है। ये भी आपका आसना जो है एक्सरसाइज के लिए और आपकी स्पाइन के लिए सबसे बेनिफिशियल आसना होता है, क्रिएट करी करके आसना। तो अभी तक हमने सीखे हैं 4 आसना, अब हम बढ़ते हैं उर्ध्वहस्ता आसना के ऊपर। उर्ध्वहस्ता आसना के ऊपर इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों पहले स्थिति में ही आना है, दोनों थोड़े से पैर अपने दूर करने हैं अपने शोल्डर के बराबर में, इनहेल करना है और दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, धीरे से एक्सहेल करना, साइड में हाथ करते हुए नीचे लाना है। ये होता है आपका उर्ध्वहस्तासन। ये आपकी कमर को और आपके आगे वाले पोस्चर को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं हम अर्धचक्र आसना पे। अर्धचक्र आसना के लिए हमें अपने दोनों पैरों को वही शोल्डर के बिल्कुल साइड में रखना है, अपने हाथ कमर पे रखने हैं, एक बार देख लेंगे, ऐसे रखने हैं और इनहेल करना है और पीछे जाना है, एक्सहेल करना है और आगे आना। ये आसना आपकी बैक के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल आसना है। अगर किसी को कोई इशू है, बैक का प्रॉब्लम है, स्पाइन स्लिप डिस्क व्हाटएवर इट इज, तो ये वाला आसन ना करें, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड आसना है उनके लिए। अब हम आते हैं अर्धकटी चक्र आसना पे। अर्धकटी चक्र आसना के लिए हमें इनहेल पहले स्थिति में ही आएंगे, इनहेल करना है, एक हाथ नीचे जाएगा, एक हाथ धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ऊपर आएगा, आपकी बाइसेप्स से होना चाहिए और धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर ऐसे ऊपर आएंगे, इनहेल करते हुए अपने हाथ को छोड़ देंगे। ये होता है आपका अर्धकटी चक्र आसना। ये भी बेली के लिए सबसे अच्छा है। ये हमारे आसना 6 आसना, मैं आपको 6 आसना सिखाए हैं, 7 आसना सिखा दिए आपको मैंने। ये आसना स्टैंडिंग पोजिशन के हैं। ये आसना अपने घर पे आप जरूर ट्राई करिए। ये सिर्फ और सिर्फ आसना बिगिनर्स के लिए है, जिसने आज तक कभी योगा नहीं की है या फिर बहुत ज्यादा कोशिश करता है बट उसे इनहेल एक्सहेल नहीं करोगे तब तक ये आसना परफॉर्म नहीं होगी। तो ये आसना के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स लगाना है, इनहेल और एक्सहेल करना है तभी होंगे। ऐसा नहीं है आप बिना इनहेल और एक्सहेल के आसन कर सकोगे। और आगे वाली पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगी कि जो आसना थोड़े से हल्के से टफ है, इन आसना के बाद हमें वो वाले आसना करने हैं। पहले आप ये वाले ट्राई करिए, मेरे साथ फॉलो करें, तभी जाके आप ये वाला चीज कर सकती हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।